गुड मॉर्निंग नर्सरी के बच्चों के इंग्लिश के क्लास में मैं भी आप लोगों के सामने हूँ। आप लोग भी रेडी हो जाइए। पिछले क्लास में एल तक हमने वन वर्ड सीखा है, अब आगे चलते हैं एल के बाद से शुरू करते हैं, ठीक है। एल के बाद एम, एम फॉर मैंगो, M A N D O, mango, mango means आम। M for mango, mango means आम। M A N D O, mango, mango means आम। M for nest, N E S T, nest, mango means घोंसला। O for orange, पेड़ों की ऊंचाई पर घोंसले होते हैं, घोंसला पेड़ों पर बने होते हैं।
What two birds lay in their nest? घोंसले में चिड़िया क्या करती है? Eggs. चिड़िया अपने अंडे को घोंसले में देती है, सुरक्षित करती है. O for orange. O R A N G E. Orange, orange means संतरा. We do not cut an orange, we peel it. हम लोग संतरे को क्या करते हैं? काटते नहीं हैं, बल्कि उसको छीलकर खाते हैं, यानी कि उसके छिलके को उतारते हैं, फिर उसको अलग अलग डिवाइड हाथ से भी कर लेते हैं और फिर खाते हैं. उसमें नाइफ की जरूरत नहीं होती है. ओ यम्मी एन ऑरेंज टू ईट, नाइस एंड राउंड, इट्स ए हेल्दी ट्रीट. व्हाट इज एन ऑरेंज? ऑरेंज क्या है? क्या है ऑरेंज? फ्रूट है, ए फ्रूट. व्हाट टाइप ऑफ फ्रूट इज एन ऑरेंज? ऑरेंज किस टाइप का, किस प्रकार का फल है? जूसी, उसमें भी क्या होता है? रस होता है, तो वो रसीला होता है. व्हाट इज द कलर ऑफ एन ऑरेंज? ऑरेंज का कलर कैसा होता है? ऑरेंज ही. ऑरेंज के कलर को ही ऑरेंज कहते हैं, वो भी एक कलर ही होता है. ठीक है, तो ऑरेंज ऑरेंज कलर का होता है. व्हाट इज द शेप ऑफ एन ऑरेंज? ऑरेंज का आकार कैसा होता है? राउंड, गोल होता है. ऑरेंज कैसा होता है? गोल होता है. अब चलते हैं पी फॉर का अनुसरण करते हैं? गुड चिल्ड्रेन, अच्छे बच्चे
पंक्ति में खड़े होते हैं, ढंग से खड़े होते हैं, वो डिसिप्लिन में रहते हैं। पंक्ति में खड़ा होना क्या शो करता है? डिसिप्लिन शो करता है, ठीक है। वी चिल्ड्रेन डू नॉट फॉलो द क्यू, कैसे बच्चे पंक्ति का फॉलो नहीं करते हैं? बैड चिल्ड्रेन, गंदे बच्चे जो डिसिप्लिन में नहीं रहते हैं, वैसे बच्चे इधर उधर झांकेंगे, इधर उधर खड़े होंगे, वो लाइन में नहीं रहेंगे, वो लाइन की बातों को फॉलो नहीं करते हैं। हाउ शुड बी स्टैंड एट ए बस स्टॉप, हमें बस स्टॉप पे कैसे खड़ा होना चाहिए? पंक्ति में खड़ा होना चाहिए, क्यू में, ठीक है। आर फॉर रैबिट, आर ए बी बी आई टी, रैबिट, रैबिट मीन्स खरगोश, ए रैबिट हैज सॉफ्ट फर, क्या होता है रैबिट के पास, क्या होता है? बहुत ही मुलायम चमड़ी होता है, फर होता है, रोएदार चमड़ी होता है। वेलकम द क्यूट रैबिट, ईटिंग पैरोट इज योर हैबिट। व्हाट इज ए रैबिट, रैबिट क्या है? रैबिट क्या है? जानवर है। कैसा जानवर है? पालतू, पेट एनिमल्स है, ठीक है, पेट एनिमल है। व्हाट इज ए बेबी रैबिट कॉल्ड, खरगोश के बच्चे को क्या कहते हैं, क्या कहलाता है खरगोश का बच्चा? ए बनी, बनी, रैबिट के बच्चे को बनी कहते हैं। व्हाट डज ए रैबिट ईट, खरगोश क्या खाता है? रैबिट कैरोट खाता है, यानी गाजर, गाजर उसका फेवरेट होता है, ठीक है। हाउ डज ए रैबिट मूव, एक खरगोश कैसे घूमता है? फॉक्स, मतलब घूमता कैसे है? उछल उछल कर, उछल उछल कर दौड़ता है लगातार में, पर चलता है कूद कूद कर, ठीक है। तो आज हमने आर तक वन वर्ड कंप्लीट किया है, अब जो रेस्ट बचे हैं उसको कल की क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास को यही स्टॉप करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।